मुंबई 1980 सड़कों पर खोले आम खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com मैं ना भूलूंगी बोलो तुम क्या चाहती हो तुम्हारे साथ एक romantic night really really aur tumhare liye ek surprise bhi hai surprise yeah surprise ek aisa surprise jo shayad tumhe kabhi pehle kisi ne na diya lekin wo kya hai wo tumhe kal sham ko hi pata chalega aisa kya dene wali ho samira uske liye tumhe kal sham tak rukna padega aditya ठीक है मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा सुपर बाय बाय ये क्या बचपन है शिखा अब तुम्हें क्या हुआ मैं तो ठीक हूँ लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम आदित्य के साथ एक रोमांटिक नाइट बिताने का सोच रही हो ये कौन सा तरीका है दुश्मन से बदला लेने का नीरज मुझे पता है मुझे क्या करना है तुम बेवकूफी कर रही हो और कुछ नहीं जो आदमी तुम्हें जरा सा भी छू ले तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तुम उसके साथ एक रोमांटिक नाइट बिताने का सोच रही हो ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है नीरज मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ मेरा बदला मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती किसी भी हद तक जा सकती और ये मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता तुम भी नहीं नीरज, I'm sorry अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो मैं फैसला ले चुकी हूँ और वैसे भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हारा प्लान तो ठीक चल रहा है आदित्य तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन चुका है नीरज बहस मत करो अगर कुछ कर सकते हो तो मदद करो मेरी I'm sorry, शिखा। मैं इस प्लान में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ठीक है मत करो मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगी सब क्या है तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज सरप्राइज लेकिन जहां तक मुझे याद है सरप्राइज तो मैं देने वाली थी तुम्हें इसका मतलब मैं नहीं दे सकता तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ समायरा ये तो बहुत छोटी चीज है I love you. क्या कहा?
बात है जनाब, आज तो अपने बीवी पर बहुत प्यार आ रहा है, इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? हम रोमांटिक तब होते हैं जब हम खुश होते हैं, और हम खुश तब होते हैं जब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे ख्यालों में रहे, सपने में भी हमारा पीछा न छोड़े। तब तो तुम पक्का मेरे ही सपने देख रहे थे। I love you, Abhi. तुम्हें पता है? You just made my day. और मुझे पता है, मेरा बाकी का दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। Thank you, Abhi. तुम्हारे दिन का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है मैडी। समारा ने जरूर कुछ कमाल का सरप्राइज प्लान किया होगा मेरे लिए। अब तो मुझसे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा है। So, समारा, I hope शूट्स की सारी तैयारी हो चुकी है। तैयारियां? मुझे क्या तैयारियां करनी है? मुझे तो बस कैमरा के सामने जाके फोटोग्राफ से तो खिंचवानी है। That's it. Well, I mean, तुम्हारे ड्रेसेस, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स, I hope सब सेलेक्ट कर लिए तुमने। Everything is done. Don't you worry. All right then. I'll see you at the photo shoot. All right. All the best. Thanks. So, 12 बजे कितने बजे तुम्हारी फोटो शूट? बस एक घंटे में। क्यों आदि? तुम भी शूट पर जा रहे हो? नहीं मैडम। Actually, अगर टाइम मिला तो शायद चला जाऊं। आदित्य, जूस। I'm so sorry. एक मिनट, ये मैं साफ कर देती हूँ। I'm so sorry. क्या कहा? तुम मुझे सॉरी कह रहे? हाँ। वाह, क्या बात है, इतनी तमीज, इतनी इज्जत, इतना लिहाज मेरे साथ। तुम ठीक तो हो ना? किस बात पर इतनी खुश हो? जो तुम मेरे साथ प्यार से पेश आ रही हो। तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो, सच का। मैं आज बहुत खुश हूं, और जानती हो क्यों? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और आज की रात मेरे दिन से ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपना मूड ऑफ करूं, बस पूरा दिन खुश रहना चाहती हूं। एनीवे, थिंक माय ब्रेकफास्ट इज डन, आई सी यू गाइस। बाय आदित्य। बाय सुमारा। वो क्या गया है? ऐसा क्या होने वाला है जो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं? Brilliant shot, Samira. Thank you. Next costume? Sure. आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का मन किया और चला आया। आदित्य, अब हम रात को मिल ही रहे हैं ना, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, कोई देख लेगा। प्यार में पागल इंसान को लोगों से कहाँ फर्क पड़ता है। ओके, और अगर हमारी फोटो किसी ने खींच के तुम्हारी बीवी को भेज दी तो? तुम्हारा किसका नाम ले लिया, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा रोमांटिक मूड खराब कर रही हो। एग्जैक्टली, रोमांटिक होना है तो रात का वेट करो। ओके, अब
जाओ यहाँ से, गो। ठीक है, पर पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? ये क्या है? खोल कर देखो। मुझे तो तुम किसी भी साड़ी में अच्छी लगती हो, लेकिन आई नो कि ये साड़ी तुम्हारी फेवरेट है। इतनी ज्यादा पसंद आ गई गई हमारा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात को इसे मेरे सामने पहन कर आओ। क्या? प्लीज कम ऑन आदित्य, ये साड़ी वाड़ी पहनना मुझे नहीं आता, और तुम जानते हो। आई नो, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखना चाहता हूँ। यू लुक ब्यूटीफुल इन इट। आदित्य प्लीज डोंट इंसिस्ट, ये साड़ी वाड़ी मेरे बस की बात नहीं, और वैसे भी ये सूट वगैरह आई हेट देम ऑल। कम ऑन आदित्य, अब इतनी सी बात पे अपना मूड मत ऑफ करो। ओके, तुम चाहते हो ना कि मैं आज रात को स्पेशल दिखूं? ओके, तो आज रात मैं इतनी स्पेशल दिखूंगी कि ये साड़ी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं। और वैसे भी तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं कुछ भी पहनूं हमेशा अच्छी लगूंगी। छोड़ इस रेडी, समायरा को बुलाओ। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं। बाय। बेसब्री से इंतजार करो आज रात का, ऐसी बारात निकलेगी तुम्हारी, देखते रह जाओगे। होटल रॉयस्टार, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, मुझे आपके होटल में बेस्ट हनीमून स्वीट बुक करना है आज रात के लिए। ओके मैम, मैं किन के नाम पर बुक करूं? मिस्टर एंड मिसेस आदित्य जगन्नाथ। इट विल बी डन, थैंक यू। एनीथिंग एल्स मैम? हाँ, एक और चीज। इज दैट फाइन विद यू? ओके श्योर, एब्सोल्युटली, जस्ट अपडेट मी ऑन द लेटेस्ट प्राइसेस, थैंक यू। जी ये फ्लाइट के टिकट हमारा सेट किए आज ही नाइट की। हमारा से कुछ बात करनी है। Will you excuse us? दिख नहीं रहा हम यहाँ काम कर रहे हैं। ये काम बाद में भी हो सकता है। Will you leave? इसमें जो भी करना है जल्दी करना। मधु की यहाँ मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में। इससे पहले कि तुम दोनों का साथ देख ले तो You're welcome. तुम्हारा क्या है? तुम्हारी आज शाम की मुंबई की फ्लाइट टिकट्स? तुम तो मुझे शाम को सरप्राइज देने वाली थी ना? ये है तुम्हारा सरप्राइज?
क्या मजाक चल रहा है ये? तुम्हें हंसी आ रही है? तुमने मुझसे झूठ बोला समारा। रिलैक्स आदित्य, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तो फिर ये क्या है? कुछ नहीं, हमारी रोमांटिक नाइट की तैयारी का बस एक हिस्सा है। मतलब ये आदित्य कि ये एक दिखावा है तुम्हारे घर वालों के लिए और स्पेशली तुम्हारी उस बीवी मधुरमा के। आदित्य जगन्नाथ, आज रात तुम मेरे साथ बिताने वाले हो। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। होटल रॉयल स्टार में मैंने तुम्हारे नाम का बेस्ट हनीमून सूट बुक किया है। तुम किसी जरूरी मीटिंग के बहाने से आ जाना, और मैं तो इन टिकट्स के मुताबिक इस शहर में ही नहीं हूं, राइट? तो कोई चाह कर भी हम पे शक नहीं कर सकता। मानना पड़ेगा तुम्हें। I talk to you. तुमने हमारे प्यार के लिए इतना कुछ किया। Thank you. अब प्यार के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, सही गलत उल्टा सीधा। वो कहते हैं ना आदित्य, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस अब तुम देखते जाओ मैं आगे आगे और क्या क्या करती हूँ। आदि चले क्या? आदि तो यहाँ है ही नहीं, बिना बताए कहाँ चले गए? हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रॉयल स्टार होटल। मिस्टर एंड मिसेस आदित्य जगन्नाथ के नाम पर आज रात की एक बुकिंग हुई है, मुझे वही कंफर्म करना था। ओह, तो इस वजह से आज आदि का मूड इतना रोमांटिक हो रहा था। लगता है मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। हेलो मैम। हेलो, या यू मे गो अहेड विद द बुकिंग। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। स्वीट आदि, जब तुम मुझे सरप्राइज दे सकते हैं तो क्यों ना तुम्हें भी सरप्राइज कर दिया जाए। नहीं चल सकती, हाँ? ये क्या है? फ्लाइट के टिकट्स? तुम कहीं जा रही हो क्या? स्विट्जरलैंड। व्हाट? स्विट्जरलैंड? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही। वैसे तुम्हें क्यों जानना है? मैं कहीं पे भी जाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सही का, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जहां जाना है जाओ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। वैसे पूछो कि नहीं मेरा मूड आज इतना अच्छा क्यों है? बताने का इतना ही मन कर रहा है तो बता दो।
आज आदि ने मेरे लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है, जहां मैं होंगी और वो, तीसरा कोई नहीं। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आना भी नहीं चाहिए मधुरिमा। और जब रिश्ता तुम्हारे जितना मजबूत हो तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी मधु, ऑल द बेस्ट। मैं दिल से दुआ करूंगी कि आज की रात तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। आज की रात तुम बिल्कुल नहीं भुला पाओगी मधुरिमा। 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा ना कि खड़ी खड़ी कांपती रह जाओगी। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।